अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वेलकम बैक टू आवर चैनल मिसेस खान का किचन। आइए दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे मटन स्वीट कॉर्न सूप, यानी कि मटन और भुट्टे का हम आपको आज सूप बनाना बताएंगे। ये बहुत ही हेल्थी होता है और नमकीन होता है, बहुत ही इजी रेसिपी है। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर स्वीट कॉर्न यानी कि भुट्टे। इस तरह से हम भुट्टों का कवर निकाल लेंगे। इस तरह से हम यहाँ पर मैंने दो भुट्टों का सूप बना रही हूँ, इसीलिए मैं दो भुट्टों का कवर निकाल ली हूँ। अभी हम इसका जो कवर है इसको हटा देंगे, इसको फेंक देंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी हम इस भुट्टे से दानों को अलग करेंगे। इस तरह से हम इसके जो भी भुट्टे के दाने हैं, सारे भुट्टे के दानों को हम इस तरह से निकाल लेंगे। ये बहुत ही इजीली निकल जाते हैं इस तरह से। मैं यहाँ पर एक हाथ से निकाल कर बता रही हूँ क्योंकि मेरे दूसरे हाथ में कैमरा है। आप दो हाथों का यूज़ करके इसके दाने आसानी से निकाल सकते हैं। ये मटन स्वीट कॉर्न सूप बहुत ही टेस्टी होता है, नमकीन और हेल्थी भी होता है। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर भुट्टे के दाने सारे अलग कर निकाल लिए हैं। अब हम इसमें से हाफ क्वांटिटी मटन भुट्टे के दानों को हम ग्राइंड कर एक फाइन पेस्ट बना लेंगे सूप बनाने के लिए, और जो हाफ क्वांटिटी रहेंगी वो हम सूप में डालेंगे। इस तरह से हम आधे भुट्टों के दानों को पीस लेंगे। अभी हम इसको पीस कर लेके आते हैं। यहाँ पर हमारा स्वीट कॉर्न का पेस्ट बनकर रेडी हो चुका है। हमने मटन को गलाने रखा था, इसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन नमक डालकर हम पानी डालकर इसे गला लिए हैं मटन को। मटन हमारा अच्छी तरह से गल चुका है। अभी इसका जो ये पानी है, सूप जो है मटन का सूप, इसे हम अलग से बोल में निकाल लेंगे और इस गले हुए गोश्त को हम भी अलग कर लेंगे सूप से, मटन के सूप से। ये मटन का जो पानी है, जो सूप है, हम ये इस्तेमाल करेंगे सूप बनाने के लिए। इस तरह से हम देखिए गोश्त कितना हमारा गल चुका है अच्छी तरह से। अभी हम इसे मटन को अपने हाथों की मदद से इस तरह से मैश कर लेंगे, मटन के रेशे अलग कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पर हम मटन के रेशे कर रेडी कर लिया है, और हमारा कॉर्न का पेस्ट भी रेडी हो चुका है, मटन का सूप भी रेडी है। ये इंग्रेडिएंट है जो हमें सूप बनाने के लिए लगेंगे। देखिए हमारा ये मटन का सूप है, इसे हम यूज़ करेंगे मटन स्वीट कॉर्न सूप बनाने के लिए। सबसे पहले हम स्वीट कॉर्न पेस्ट में पानी डालेंगे। पानी डालकर इसे हम एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में डाल लेंगे। इस तरह से हम 1 लीटर पानी इसमें ऐड करेंगे। इस तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे। हम इसमें 1 लीटर पानी ऐड करेंगे। हम इसे बॉईल आने तक पकाएंगे 4 से 5 मिनट तक। तब तक के हम यहाँ पर कॉर्नफ्लोर का बैटर बनाकर रेडी कर लेंगे। 2 टीस्पून हम यहाँ पर कॉर्नफ्लोर लिए हैं, इसे थोड़ा सा पानी डालकर इस तरह से हम लिक्विड बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हमारा लिक्विड बैटर बनकर तैयार हो चुका है। अभी हम यहाँ पर अंडे का बैटर भी बनाएंगे। यहाँ पर मैंने एक अंडा ले लिया है, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। पानी ऐड करने के बाद इसे खूब अच्छी तरह से हम फेंट लेंगे। इस तरह से हम फेंट लेंगे पानी मिक्स कर। यहाँ हमारा अंडे का बैटर भी बनकर तैयार हो चुका है सूप के लिए, और कॉर्नफ्लोर का बैटर भी बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ पर हमारे स्वीट कॉर्न के पानी में बॉईल आने लगा है। हम इसे अच्छा पकाएंगे 4 से 5 मिनट तक। इसके अंदर जो भी ये स्टार्च है,
जो भी स्वीट कॉर्न के जो भुट्टे के दानों के छांट जो बनता है ऊपर, उसे हम निकाल लेंगे इस तरह से स्ट्रेनर की मदद से, छन्नी की मदद से हम इसे निकाल लेंगे। ये वेस्ट है, इसे हम निकाल कर फेंक देंगे। जो हम भुट्टे के दानों को पीसे थे उसके कवर है ये, भुट्टे के दानों का कवर वेस्ट है ये, इसे हम निकाल लेंगे ताकि हम जब सूप पिए तो हमारे मुंह में इस तरह से छिट्टे ना आए। इस वजह से हम इसे इस तरह से ऊपर से निकाल लेंगे, इसका झाँझ जो है वो। आप चाहे तो इस सूप की छन्नी से भी छान सकते हैं। मैंने सूप की छन्नी से छान कर ले लिया है। अभी यहाँ पर मैं स्वीट कॉर्न के दाने डाल ली हूँ, भुट्टे के दाने ऐड कर ली हूँ। जो आधे मैंने बचा कर रखा था वो दानों को मैंने डाल लिया। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, इसे हम पका लेंगे। अभी हम यहाँ पर मटन का सूप ऐड करेंगे। मटन का सूप ऐड करके इसे भी हम फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसमें डालेंगे जो मटन को हमने हाथों से मैश किया था, ये मटन भी इसमें हम डाल देंगे। थोड़ा सा हरा धनिया और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। ब्लैक पेपर का पाउडर हम, यानी कि काली मिर्च का पाउडर हम इसमें 1 टीस्पून डालेंगे। इसमें ब्लैक पेपर का ही टेस्ट आएगा। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे 4 से 5 मिनट के लिए पका लेंगे मीडियम फ्लेम पर, ताकि हमारे भुट्टे के दाने भी अच्छी तरह से गल जाएं। 4 से 5 मिनट के बाद हम यहाँ पर जो कॉर्नफ्लोर का बैटर बनाया था वो डालेंगे। एक हाथ से डालते हुए दूसरे हाथ से हिलाएंगे। मेरे हाथ में कैमरा रहने की वजह से मैं एक ही हाथ से डालकर जल्दी से हिला रही हूँ। आप 2 हाथों का यूज़ करें जब बैटर डालते वक्त। यहाँ पर मैंने अंडे का बैटर जो बनाया था वो ड्रॉप बाई ड्रॉप इस तरह से मैं डालूंगी। एक हाथ से डालिए, एक हाथ से आप हिलाइए। मेरे एक हाथ में मोबाइल है, कैमरा शूट कर रही हूँ, इसीलिए मैं एक ही हाथ का यूज़ कर रही हूँ। आप एक हाथ से डालते हुए दूसरे हाथ से हिलाते भी रहे साथ में, एक के ड्रॉप इस तरह से। अभी हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे पका लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए, और अच्छी तरह से हम पका लेंगे मीडियम फ्लेम पर। अच्छी तरह से इसमें बॉईल आना चाहिए, तब तक हम इसे अच्छे से पकाएंगे। ये बहुत ही हेल्थी सूप होता है, बहुत ही टेस्टी डेलीशियस होता है और इजीली बन जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। बहुत सिंपल मसालों से ये सूप बनकर तैयार होता है। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा बना है आप बनाए तो। अभी हम 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अभी हम फ्लेम को लो कर देंगे, 2 मिनट के लिए दम पर रखेंगे इसे कवर कर कर। 1 से 2 मिनट हम दम पर रखेंगे लो फ्लेम पर। यहाँ पर 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, अभी हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। हमारा मटन का स्वीट कॉर्न सूप बनकर तैयार हो चुका है। हेल्थी होममेड स्वीट कॉर्न सूप, ये बहुत ही नमकीन और इजी स्वीट कॉर्न मटन सूप है। हमारा बनकर तैयार हो चुका है। ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। आप इसे गर्मा गर्म ही सर्व कीजिए। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी ये सूप बनता है। आप चाहें तो इसमें गाजर और बीन भी डाल सकते हैं। अपने हिसाब से आप वेजिटेबल्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी न्यू रेसिपी सबसे पहले देखने को मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट कर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।